स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद पर हमारा ये जो चिंतन है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम कठोपनिषद के उस भाग को, उस विषय को हम चिंतन में, उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं जहाँ पर मनुष्य क्यों इस संसार में फंसता है, किस कारण से वह, जिसे हम कहते हैं कि जीवन मरण, इस चक्र में वो रहता है, इसका कारण क्या है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य की इच्छा या उससे किसी प्रकार की अनुमति लिए ही उसका जन्म होता है। अर्थात किस परिवार में पैदा होगा, क्या वो अपने शारीरिक गुण लेके आएगा, किस भाषा को बोलेगा या किस संस्कृति में बड़ा होगा, इस विषय में उसका कोई स्वयं का मत नहीं होता। उसका जन्म हुआ है, उसमें वो बड़ा हो रहा है। अब वो अगर कोई ऐसा होता उससे पूछते भाई क्या तुम जन्म लेना चाहते हो कि नहीं, तो हो सकता वो कह देता मैं जन्म नहीं लेना चाहता। तो हमारे एक पूर्व में एक ऐसी स्थिति है जिसके विषय में हम बड़े ही अवनज्ञ हैं। हम जानते नहीं हैं क्यों जन्म हुआ और इस जन्म होने का क्या उद्देश्य है। ये एक बड़ी ही गहरी बात है, जन्म होने का उद्देश्य क्या है और फिर कब बिना किसी नोटिस के हम इस जन्म को समाप्त भी कर देते हैं। अर्थात कभी कभी तो आता है कि कोई व्यक्ति जिम गया था, वहाँ से आके उसको हार्ट अटैक हुआ, वो चला गया। तो सोचा था कि एक्सरसाइज करके वो स्वस्थ रहेगा हमेशा, तो क्या फिर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? करो, लेकिन जो रहना है वो तो एक दूसरे किसी सिद्धांत से है। तो ये जो दूसरा एक सिद्धांत है, दूसरी एक जो चीज़ है, वो क्या है? तो जीवन में हमारा जन्म क्यों होता है, हम कैसे हैं, क्या हैं और कैसे हमारा, कब हमारा मानो मरण होता है, इस विषय में हम बहुत ही अज्ञानी हैं। तो इसको समझने का प्रयास हम विभिन्न रूपों से करते हैं। जैसे कि हम कोई मेडिकल की दृष्टि से करते हैं, अच्छा उसका जन्म ये कारणों से हुआ, लेकिन वहाँ पे साइंस विज्ञान मानो आके अपनी चुप्पी थाम लेता है, पता नहीं इसके अंदर जो एक जीवत्व है, एक जो प्राणी है वो कौन है, उसको नहीं पता। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ रिमेन्स अनसॉल्व विद द साइंस, मिस्ट्री है वो, कैसे आता है मालूम है, क्यों आता है नहीं मालूम है। तो इस विषय को लेके ही हमारे उपनिषदों में बहुत से गहराई से चिंतन किया है। क्या चिंतन, हम जो इस चिंतन को लेके यहाँ पे अपने इस सत्र को हम इसमें बैठे हैं, तो इस चिंतन में क्या है? कठोपनिषद में, कठोपनिषद जो है यमराज और नचिकेत का संवाद है। यमराज से नचिकेत ने ये प्रश्न किया
कि यहाँ जो ये हमने ये जीवन है जब समाप्त होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बचा है जिसे आत्मा कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं बचा है, कुछ भी नहीं तो समाप्त हो गया। अच्छा वो कहाँ गया? अच्छा आप मुझे बतलाइए कि आत्मा होती है कि नहीं, ये उसका प्रश्न है। तो उसका उत्तर देते हुए मृत्यु के देवता यमराज, जो इस उत्तर देने में सबसे अधिक सक्षम है, जैसे किसी हीरे के व्यापारी से हम पूछें कि हीरा कि क्या उसका भाव है, वो कैसे बनता है, कहाँ से सप्लाई होता है, कौन खरीदता है, उसका आजकल मार्केट में क्या स्थिति है, तो एकदम उपयुक्त व्यक्ति से पूछ रहे हैं। लेकिन अगर हीरे का प्रश्न किसी सब्जी वाले से पूछेंगे तो बहुत गलत रास्ते पे चले गए। इसी प्रकार यहाँ पे उसने ठीक व्यक्ति से प्रश्न किया, और व्यक्ति कौन है? जिसे हम कहते हैं यमराज। यम अर्थात जो कंट्रोल करे, यमयति इति यमराज यमयति, यम अर्थात जो जीवन का प्रारंभ होना और जीवन का अंत होना दोनों ही मानो उसके हाथ में है। एक जगह यमराज कहते हैं बहुत से लोग हैं जो बस अपनी ही अपने छोटे से संसार में रहते हैं, अपने खूब मंडुक होकर रहते हैं, उन्हें अपने सुख से या अपने जीवन से अधिक कुछ दिखाई नहीं देता, और वो सोचते हैं कि यह जो जीवन है, यह जो जिस संसार में हम रहते हैं जिसको इंद्रियों का संसार कहते हैं, इस इंद्रियों के संसार के परे कुछ नहीं है। अयम लोको अस्ति न पर इति मानी पुनः पुनः वशम आगच्छते मे। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि कोई अतीन्द्रिय सत्ता है ही नहीं और इसी जगत में है के जो इसके विभिन्न अनुभव हैं उसी में ही अपना सारा समय सारी ऊर्जा उसमें ही लगा देते हैं, ऐसे लोग जो साधना की तरफ नहीं जाते क्योंकि उन्हें उसमें विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे लोग क्या है पुनः पुनः वशमागच्छते में, वो बार बार मेरे वश में आते हैं। अर्थात यमराज कहते हैं मैं उन्हें बार बार जन्म देता हूँ और बार बार मृत्यु देता हूँ, बस पुनः पुनः। तो इन दोनों का संवाद चल रहा है, तो संवाद में बड़ा ही उचित प्रश्न पूछा गया, और इस प्रश्न के उत्तर में यमराज ने बहुत सी बातें कही। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मनुष्य को या मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के उसके व्यक्तित्व को एक रथ के साथ उसकी तुलना की गई। जैसे रथ होता है, घोड़ा होता है, घोड़े की लगाम होती है और लगाम को फिर किसी सारथी या ड्राइवर ने हाथ में पकड़ा होता है, और पीछे एक सवारी होती है। तो उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां मानो हमारे घोड़े हैं, जैसे घोड़े आगे जाते हैं ले जाते हैं, वैसे हमारी इंद्रियां जैसे आँखें हैं, आँखें दूर से दिखाई देता है कि अरे वो देखो वो साइकिल या वो मोटरसाइकिल से आ रही है, आप इधर हो जाओ, तो ज्ञान वहाँ से आया और पैर पीछे हट गए। इसी प्रकार से अभी तुमको वहाँ जाना है, यह जो विचार है ये आता है तो इंद्रियां उसके अनुसार से काम करती हैं। तो इंद्रियों का जो ये वो जो उसको अनुभव करती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको मन कंट्रोल करता है, मन को लगाम कहते हैं। तो लगाम जो है वो मानो उसका संकल्पात्मक और विकल्पात्मक, इसको कहते हैं मन भारतीय मनोविज्ञान में, इंडियन साइकोलॉजी में, जो हमारी अपनी एक साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन है जिसे हम योग कहते हैं, वेदांत कहते हैं, उसमें मन को ही मन को कहा कि वो संकल्प विकल्पात्मक है। असल में अंतःकरण के ही ये दो हिस्से हैं, अंतःकरण अर्थात इनर इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारे बाहर के हाथ हैं ऐसे एक आंतरिक चीज़ें हैं, तो उसको बोलते हैं कि अंतःकरण का ही एक दो हिस्से हैं, एक है मन और एक है बुद्धि। तो बुद्धि जो है संकल्पात्मक विकल्पात्मक है, और जो मन
और जो बुद्धि है वो निर्णयात्मक है, वो निर्णय लेती है। अच्छा, इसमें क्या विशेषता है? ये तो जो लोग सिर्फ मन की ही बात, मन में उठ रहे संकल्प हैं, बातें हैं, मन में ही डूबे रहते हैं, वो बुद्धि का इतना सहारा नहीं लेते, वो अक्सर पाप या अधर्म के रास्ते पे चले जाते हैं। मन में विचार आया, चले गए। लेकिन जो बुद्धि की बात ज़्यादा सुनते हैं, अर्थात बुद्धि का अर्थ वो नहीं कि सब समय तर्क वितर्क करे, बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या जीवन का लक्ष्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इस बात पर जो ठीक ढंग से इसका चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन को बोलते हैं कि वो विवेकपूर्ण जो बुद्धि है, जो उसको लेके चलते हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो सिर्फ अपने मन की बात सोचते हैं, वो संकल्पों में या फिर संकल्पों के अल्टरनेटिव, जिसको हम विकल्प कहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं। यहाँ पे बात कही कि ये संकल्प विकल्प को कौन कंट्रोल करता है, कहते बुद्धि। और जो बुद्धि है वह ये पूरी मानो एक रथ की यात्रा हो रही है, तो और रथ की यात्रा को फिर पीछे बैठा कौन है? बोले जीवात्मा बैठी। अब ये जीवात्मा क्या कर रही है? बोलते एक जन्म से दूसरे जन्म तक, तीसरे जन्म तक, मानो इस रथ रूपी एक गाड़ी में बैठकर वो इस जन्म से दूसरे जन्म तक जा रही है। और इस जाने की जो जाने का जो अनुभव है, उसमें बुद्धि की जो तीक्ष्णता है, उसकी शुद्धता है, उसकी ओर हमें यमराज हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हम ये एक मंत्र पढ़ेंगे जो कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली में है। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि पश्यानि सद अश्वा इव सारथेः। जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा संयमित लगाम रूपी मन के साथ युक्त होकर विवेकी हो जाता है, उसकी इंद्रियां सारथी के भले घोड़ों की भांति वश में रहती है। और मान लो अगर उसकी इंद्रियां वश में नहीं रहती, अच्छा इंद्रियां जब वश में रहती हैं तो अर्थात वो उसके अंदर में एक संयम होता है, एक ठहर होती है, वो इतना संसारिक जो उस पर प्रभाव पड़ते हैं उनसे विचलित नहीं होता। अब और एक मंत्र में, अगले वाले मंत्र में, इस मंत्र की व्याख्या लास्ट टाइम हमने बड़े विस्तार पूर्वक की थी, और एक प्रश्न आता है। यस्तु विज्ञानवान भवति अन्मनस्क सदा शुचि न स तत्पदमाप्नोति संसारम चाधिगच्छति। जो बुद्धि रूपी सारथी सर्वदा असंयत मन वाले विवेकी अपवित्र हो जाता है, वह उस कैवल्य नाम परम पद को नहीं प्राप्त होता, परंतु जन्म मृत्यु रूपी संसार गति को प्राप्त होता है। तो ये बात थोड़ा और समझने की कोशिश करें। आवागमन का अर्थ क्या है? अब देखिए, हम अपने इस जन्म को कुछ हद तक जानते हैं। कुछ दिनों पहले एक सुंदर इस प्रकार से घटना किसी ने बताई थी। तो एक व्यक्ति जो कि एक छोटा बच्चा, वो 3 साल का ही था या 5 साल का था, वो अलग अलग समयों पर उन घटनाओं का विवरण देता था जो 9/11 के समय हुई, जो न्यूयॉर्क में 9/11 हुआ आज से लगभग 20-22 साल पहले, जिसमें कि ट्विन टावर्स पे किसी ने, जो आतंक के मन वाले थे, उन्होंने हवाई जहाज उसमें डाल दिया और वो उसमें उसके कारण वो गिर गया। तो उसमें बड़ी आग लगी, बहुत सी हानियाँ हुई और बहुत से लोग ऊपर से नीचे गिरे। तो उसमें से
वो बहुत सी बातें बताता था। तो जब बड़े ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुना गया और उसको सब चीज़ों को, सारे पॉइंटेड चीज़ों को इकट्ठा किया गया, तो देखा कि वो एक उस व्यक्ति से काफ़ी मिलता है जो उतनी लंबी किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी से नीचे गिरा था, क्योंकि ये उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देता है कि आई वॉज फॉलिंग देयर एंड देयर वॉज बिग फायर एंड देयर वॉज बिग साउंड एंड देन आई फेल डाउन, ऐसी बातें कहता है वो। जब ये सब बातें होती हैं तो फिर वो उसको कहते हैं, उसकी माँ से, उसके आसपास के लोगों से जब इंटरव्यू करके पूछते हैं, बोलते हैं हाँ ये बचपन से ये बातें कह रहा है। तो ये एक रीसेंट एग्जाम्पल है कि जिसमें पुनर्जन्म की स्मृतियाँ हैं। इससे पहले भी बहुत से इस तरह की स्मृतियों की बात होती है। बेंगलोर में स्थित निमहेंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, जो एशिया का सबसे बड़ा उस तरह का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट ही है। उसमें एक महिला ने इसको लेके काफ़ी रिसर्च किया कि कैसे कुछ लोगों को अपनी स्मृतियाँ याद आती। अब कैसे आती हैं मतलब पता नहीं, लेकिन आती हैं। और इसी बात को हम कह रहे हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। हम बस उस उदाहरण से उतना ही ले रहे हैं कि उसका पुनर्जन्म होता है, पुनः पुनः जन्म होता है, और वो उसी को हम कहते हैं कि वो बंधन में पड़ा हुआ है। जो कहते हैं ना, एक व्यक्ति, जैसे हम यहाँ हर रोज़ श्री राम कृष्ण देव की आरती करते हैं, तो पहला जो उसमें सेंटेंस है वो है खंडन भव बंधन जग बंधन वंदी तुमाय। खंडन भव बंधन, भव बंधन अर्थात यही जन्म मरण का जो चक्र है, इसको भव बंधन कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि जो जीवात्मा रूपी एक रथी है। अच्छा, पहले इस बात को समझ लें कि यही अपने आप में हमारी आध्यात्मिक समझ में, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। पहले व्यक्ति अपने आप को सिर्फ शरीर न समझे लेकिन जीवात्मा समझे। अतः जीवात्मा और आत्मा में अंतर है। अंतर इस रूप में है कि मानो एक फ्री बीइंग है, एक जिसमें स्वतंत्र चीज़ है, जिसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं, जो शुद्ध है, जो चैतन्यमय है, जो सनातन है, जिसका ना जन्म होता है ना मरण होता है, उसको आत्मा कहते हैं। लेकिन किसी कारण से, अब क्या कारण है, कहते भगवान की माया है, और इतना ही, और कुछ नहीं उसका उत्तर मिलता। तो किसी कारण से वो अपने आप को सीमित, अभावपूर्ण अपने आप को अनुभव करने लग पड़ती है। इसी को अविद्या का आरंभ कहते हैं। अच्छा, अविद्या का आरंभ क्यों हुआ ये नहीं मालूम, हुआ बस। क्यों? जो अनंत है अपने आप को छोटा मानने लग पड़ता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जो परिपूर्ण है, पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो वो अपने आप को पूर्ण मानने वाला, जो पूर्ण है, मानने वाला ही नहीं, वो अपने आप को अपूर्ण कैसे मानने लगता है, कहते पता नहीं, लेकिन मानने लगता है। और जब मानने लगता है तब वह उसके अंदर इच्छाओं का उदय होता है। अपूर्ण होगा तभी तो इच्छा आएगी ना, पूर्ण को कहाँ इच्छा होगी। पूर्ण है, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं, तो कोई इच्छा नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन उसमें तो इच्छा उत्पन्न होती है, और जब इच्छा उत्पन्न होती है तो उसको करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए काम करना पड़ता है। बिना काम के तो इच्छा पूर्ण होती नहीं। नहीं तो बहुत से लोग हैं खड़े होकर बात करते रहते हैं, हाँ वो मकान बहुत अच्छा है, हमें भी मकान बनाना है, बस बातें ही हैं वो। इट डजंट मेक एनी सेंस। उसके लिए काम करना पड़ रहा है, अर्थात उसके लिए उसके पास संसाधन हो, उसके पास अर्थ हो, उसके पास सब चीज़ें हो, जिसको कहते हैं एक मकान बनाने के लिए। तो ऐसे ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म की आवश्यकता है। अब कर्म का फल होता है, और जो फल होता है उस फल से फिर व्यक्ति का जन्म, उस फल से उसे क्या मिलता है, बोले सुख और दुख मिलता है, और सुख दुख से फिर वो नए कर्मों का जन्म देता है। सब मान लीजिए उसे दुख मिला तो अंदर से बड़ा द्वेष भरा हुआ है,
और उस द्वेष के कारण उसको कुछ और अंदर से उस द्वेष को दूर करने के लिए कोई और इच्छा उत्पन्न हो गई। तो इसीलिए हमारे गीता उपनिषद या इतर ग्रंथों में यही बात कहा है कि व्यक्ति जब पूर्ण रूप से अंदर से अनासक्त हो जाता है, अनासक्त होना अपने आप में बहुत बड़ी अवस्था है, तो जब पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाता है तो वो इस प्रकार से फल से मुक्त हो जाता है। लेकिन तब तक उसे फल भोगना पड़ता है, बार बार उसको फल भोगना पड़ता है। और उस फल भोगने के समय मान लो उसकी आयु खत्म हो गई जो उसको दिया होता, तो फिर फल तो पड़ा है, उसको तो भोगना है, तो फिर दोबारा उसको जन्म लेना पड़ता है, फिर दोबारा जन्म, जब तक उसका पूर्ण रूप से वो उसका भोग नहीं हो जाता। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति असंयमित मन के साथ रहता है, जिसके पास वो जो बुद्धि है वो पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है, और वो असंयमित मन से अर्थात उसकी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम नहीं है, बस उन भोगों में वो लगा हुआ है, तो उसके अंदर नए नए कर्म, नए नए वासनाएं, नए नए संस्कारों का उदय होता रहेगा, भरते रहेंगे, तो जन्म मृत्यु का उसका जो ये साइकिल है, ये चक्र है, ये भी चलता रहेगा। तो ये एक बड़ा गहरा एक प्रश्न है। अच्छा, इसमें एक और बात आ जाती है साथ में। अब आपने कहा कि जन्म मरण का चक्र, लेकिन हम तो स्वर्ग और नर्क की भी बात सुनते हैं, तो नर्क और स्वर्ग एक तरफ और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दूसरी ओर, तो इन दोनों में अंतर क्या है? बोले स्वर्ग और नर्क जो है ये दोनों हमारे पुण्य और पाप, इन कर्मों से जो फल उत्पन्न होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए मानो एक लोक है। अगर व्यक्ति का बड़े पुण्य कर्म है तो वो स्वर्ग में जाता है, तब स्वर्ग हम कोई कहते हैं ना, कोई व्यक्ति चला गया तो उसको आदर देने के लिए हम कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गया। अब वो कहाँ का वासी हुआ है मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, कहते हैं स्वर्गवासी हो गए या वैकुंठवासी हो गए या मुक्त हो गए, हमें नहीं मालूम हम, लेकिन उसको आदर देने के लिए, हमारी मानवीय संस्कृति है जी, सभी को आदर देना है तो हम कह देते। लेकिन हमारे शास्त्रों में है कि आपने पुण्य किया है, मानो आपके पास आपको एक वीसा मिल गया, अब कितने सिला 3 साल का वीसा मिला, तो हो सकता है 3 साल के लिए स्वर्ग मिला या 30 साल के लिए स्वर्ग मिला, लेकिन ये स्वर्ग परमानेंट नहीं है। जब वो वीसा की अवधि दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिस जो आपको परमिशन मिली हुई थी, तब क्या हुआ, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति ही, गीता में आता है कि क्षीण पुण्य, जब पुण्य जो क्षीण होता है तो वो व्यक्ति पुनः मर्त्यलोके, इसी धरा पर दोबारा उसका जन्म हो जाता है। इसी प्रकार से क्षीणे पापे, अब पाप का फल क्या, नरक होता है, क्षीणे पापे मर्त्यलोके विशंति, मर्त्यलोक पे आता है। तो चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, जो मिलने वाला दूसरा लोक माना जाता है वह अपने आप में अस्थाई है, तो यहाँ आके फिर वो दोबारा अपने कर्मों से नए फलों को, वो या तो नए फल वो प्राप्त करता है और फिर पुण्य और पाप के उस लोक में जाता है, या फिर वो उन दोनों में नहीं जाना चाहता, ना वो स्वर्ग में जाना चाहता है ना ही दुख भोगना चाहता है नरक का। तो क्या चाहता है, कहता मैं ऐसे एक जगह पे जाऊं जहां से मुझे वापस ना आना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान कहते हैं कि मेरा ही वो एक मानो धाम है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप में अपने आप को स्थित करना। ईश्वर का स्वरूप और अपना स्वरूप दोनों एक ही है, सनातन धर्म में ये सुंदरता है। ईश्वर, स्वामी विवेकानंद का जो कुछ उनके प्रवचन है जो वेस्टर्न कंट्रीज में दिए हुए, बहुत सुंदर, कहते पहले वो एक बड़े ही दार्शनिक रूप से स्वामी जी एक बात को बताते हैं कि वो इजिप्शियंस और बेबिलोनियंस के कॉन्सेप्ट को लेके उसका बड़ा सुंदर विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि पहले हमारा होता है कि मेरा भगवान और तुम्हारा भगवान, तो इन दोनों भगवानों में मानो कभी कभी लड़ाई भी हो जाती,
लेकिन फिर एक आता है कि महान एक ऐसा भगवान जो सब भगवानों का भगवान है, सबसे बड़ा। तो ये एक बोल स्वामी जी कहते हैं, एक बड़ी एक प्रिलिमिनरी स्टेज, एक प्राथमिक अवस्था है जिसमें हम भगवान रूपी चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं इसको हम द्वैतवाद, जिसमें मैं और भगवान अलग हैं, भगवान के कितने रूप हैं और हम भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान हमसे बहुत दूर हैं, ऐसा मन में आता है। कहते फिर दूसरी स्थिति आती है। देखियो, एक व्यक्ति हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो, उसके पास PhD हो, 2 PhD हो, उसके पास बहुत से मेडल्स हों, अवार्ड्स हों, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की समझ में हो सकता है वो एकदम अभी भी बहुत बहुत प्रारंभिक छात्री है। क्योंकि ये कोई छात्र इसको कैसे पता चलेगा कि तो उसके कैसे उसकी आंतरिक धारणाएं क्या है। अभी भी सोचता है किसी ने कोई जादू दिखा दिया तो हाँ तो बहुत पहुंचा हो महात्मा है, या फिर किसी ने ऐसी कोई बात कह दी तो बोले हाँ ये बहुत अच्छा। अरे अभी भी तुम्हारा जो समझने का जो स्तर है वो बड़ा प्राथमिक है। ये नहीं कहते कि गलत है, अब ये नहीं कहते कि हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम वी डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम एरर टू एरर और एरर टू ट्रूथ, वी ट्रैवल फ्रॉम ट्रूथ टू ट्रूथ, लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। जैसे एक बच्चा है वो गिनती कर रहा है, उसका एबकस लाके वो 1 2 3, तो वो क्या गलत कर रहा है? वही बच्चा बड़ा होके 12वीं क्लास में वो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ता है, फिर बाद में PhD करता है, तो वही बच्चा है, वो बड़ा हो गया है, उसकी बुद्धि का विकास हो गया है। ऐसे ही मनुष्य में आध्यात्मिक विकास होता है, और जब आध्यात्मिक विकास होता है तो मानो वो द्वैत से विशिष्टाद्वैत, फिर विशिष्टाद्वैत से अद्वैत तक पहुँचता है। पहले मैं और भगवान, फिर दूसरा मैं भगवान का ही हिस्सा हूँ, और तीसरा जो अंतिम स्थिति मानी जाती है कि जिसे हम भगवान कहते हैं वही हम हैं। लेकिन इसको प्रारंभ में कह देंगे तो ये अहंकार की बात हो जाएगी, तो बड़ा अहंकारी अपने आप को ईश्वर कहता है, और बिल्कुल ठीक है, उसकी अवस्था तो वो है नहीं लेकिन अपने आप को कह रहा है, तो उसको कहते हैं अपने अहंकार को तो छोटा कर। तो जो अंतिम स्टेज है जिसको अद्वैत की स्टेज कहते हैं, या जिसे जो हमारी एक सामान्य हमारा स्थान है, कहते तभी व्यक्ति पहुँच जीवात्मा तभी वहाँ तक पहुँच पाती है जब वो उसकी इंद्रियाँ उसके वश में हो और बुद्धि उन वश की हुई इंद्रियों की सहायता से इस जीवन को जिए, तब उसके मन में ऐसी एक पवित्रता का उद्भव होता है जिससे वो संसार से अनासक्त हो जाता है। असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा। अच्छा, ये असक्त होना, कोई लोग सोचते हैं कि हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो मानो असक्त हो गए, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि हमारा मानो अद्वैत की बात करें तो संक्षेप में बात करके समाप्त करता हूँ कि मानो एक तो है मानो चढ़ना और दूसरा है उतरना। चढ़ना क्या है? चढ़ना अर्थात आध्यात्मिक रूप से ये जो हम देख रहे हैं जगत, ये अनित्य है, इसको छोड़ के हम नित्य की ओर चढ़ रहे हैं, मतलब उसकी ओर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं चढ़ना, द एसेंट। और जैसे श्री राम कृष्ण देव कहते थे, एक व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, अब चढ़ रहा है तो पहले कहता है, पहली सीढ़ी पे आता है, बोले मैं तो छत पे तो नहीं पहुंचा, तभी तो पहली सीढ़ी है, फिर दूसरी सीढ़ी, ना ये भी छत नहीं है, तीसरी भी छत नहीं है, 10 सीढ़ियाँ चढ़ ली, फिर बोला छत आ गई, बोले हाँ ये छत आ गई। तो ये ही हैज़ रीच्ड, वो वहाँ तक पहुँच गया है जिसको हम अद्वैत की अंतिम सोपान कहते हैं। उसके बाद क्या होता है फिर वो? तो क्या फिर वो वहाँ पे जाके उसके बाद में उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? कहते तब वो डिसेंट हो सकता है। जब डिसेंट होता है तो कहता है जितनी भी सीढ़ियाँ हैं और ये जो छत है एक ही तो सीमेंट की बनी हुई है। तब उसके जीवन में एक अनंत प्रेम, करुणा, सेवा, निस्वार्थता का भाव उदय होता है।
तो पहले मानो ऊपर जाना है, और अगर उस जगह तक पहुंच गया है तब उसका मन कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, तो सब एक ही ईश्वर का, मन तो सेवा करेंगे और दूसरों का, दूसरों पर जितना हो सके उपकार करने का उसके मन में स्वभावता ही वो सब विचार उसके मन में आ जाते हैं। तो आज इतना ही, अगली बार हम इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।